वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टडी करने वाले हैं एलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 7 का वर्कशीट नंबर 4। अब वर्कशीट नंबर 4 जो है वो एक नई आइडेंटिटी से, एक नए फॉर्मूले से सॉल्व होने वाला है। और ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला आपके सामने a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आपको ये आइडेंटिटी या फिर ये फॉर्मूला याद रखना है ताकि आप बाकी के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये आया कहाँ से। तो पहले जैसे हमारे पास सामने क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ लेट a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स अज्यूम कर लें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी नंबर 1 तो याद ही है, और वो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xc प्लस सी स्क्वायर, राइट। तो अगर हम यहां पे वैल्यू पुट कर दें, जैसे x आपको पता है दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2 a प्लस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ca प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, राइट। सो अगर आप भूल भी जाएं सो यू कैन डिराइव इट। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्स माइनस 2y प्लस 3z होल स्क्वायर। नाउ द सेम आइडेंटिटी आई विल राइट अगेन, दैट a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, नाउ यहां पर आप देखो a के प्लेस में क्या है, a के प्लेस में x है, b के प्लेस में क्या है माइनस 2y, एंड c के प्लेस में क्या है यहां पर 3z। नाउ सो वी विल स्टार्ट लाइक दिस इज x स्क्वायर प्लस माइनस 2y स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट 3z स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y प्लस 2 इंटू 2bc, बी की वैल्यू माइनस 2y और सी की वैल्यू क्या है 3z इंटू 3z प्लस 2 इंटू 3z इंटू एक्स। तो चलिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2 2 4xy, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 2 4 3 12yz प्लस 3 2 6zx, राइट। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिल्कुल इसी आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। a के प्लेस में यहाँ पे माइनस 5x, b के प्लेस में यहाँ पे 2y और c के प्लेस में है यहाँ पे z। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देते हैं, a स्क्वायर मतलब माइनस 5x स्क्वायर, बी स्क्वायर इट मीन्स 2y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इट मीन्स z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई ए इंटू बी, सो माइनस 5x इंटू 2y प्लस 2bc इट मीन्स 2 इंटू 2y इंटू z प्लस 2ca इट मीन्स 2 इंटू z इंटू माइनस 5x। अब जल्दी जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव 25, यस एक्स स्क्वायर। 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहां पर देखो आप, यहां प्लस है और यहां पे माइनस है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस 5 2 10 2 20xy, राइट। सिमिलरली यहां पर 2 2 ये हो जाएगा 4yz और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा यहां पे माइनस 5 2 10zx। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और सेम फॉर्मूला यहां पर हम पुट करेंगे, एक बार फिर से याद दिला दूं, एक्स
and this is what a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखने में ये फॉर्मूला आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है लेकिन है ये इजी, ठीक है। a इज इक्वल टू 4x, b इज इक्वल टू y और c के प्लेस में यहां पर माइनस 3z, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट मींस y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इट मींस माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a 4x into by plus 2bc 2 into y into c की वैल्यू है यहाँ पे minus 3z plus 2ca 2 into minus 3z into a is what 4x, तो ये हो जाएगा 4 4s 16x square plus y square plus 3 का square हो गया 9z square 4 2s 8xy और ये हो गया plus minus minus हम यहाँ पर लेंगे इसको minus 3 2s 6 वाई जेड और यहां पर भी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3 टू 6 6 4 जा 24x, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सेम फॉर्मूला, यहां पर a के प्लेस में है 3a, b के प्लेस में है माइनस 5b और c के प्लेस में है माइनस 7c, सो हम यहां पे लिखेंगे a स्क्वायर इट मींस 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट मीन्स माइनस 5b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इट मीन्स माइनस 7c स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू a के प्लेस में क्या है 3a, b के प्लेस में माइनस 5b प्लस 2bc इट मीन्स 2b की वैल्यू माइनस 5 और c की वैल्यू माइनस 7c प्लस 2ca 2 इंटू माइनस 7c इंटू a दैट इज 3a। आगे चलते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 25b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 49c स्क्वायर प्लस इनटू माइनस माइनस 3 टू जा 6 एंड 6 5 जा 30ab। फिर देखिए यहां पे दोनों नेगेटिव है माइनस 5b और माइनस 7 तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो 5 टू जा 10 7 जा 70bc और यहां पर हो गया प्लस माइनस 7 टू जा 14 एंड 14 3 जा 42ca। ओके ऑलराइट, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन अब इजी लग रहे होंगे क्योंकि अब हम सेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगेन द फॉर्मूला इफ यू डोंट रिमेम्बर फिर से एक बार याद दिला दूं, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन देखिए ये एक बार आपने कर लिया आपको आगे की क्लासेस में बहुत आसानी होगी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो दिस इज वॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ओके चलिए, तो a के प्लेस में यहाँ पे माइनस 2a, b के प्लेस में माइनस बी है और c के प्लेस में है 3c। ऑल राइट सॉल्व करते हैं, सो दिस इज ए स्क्वायर इट मींस माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट मींस माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इट मींस 3c का ही हो गया स्क्वायर 2ab, सो 2 इंटू माइनस 2a इंटू माइनस b प्लस 2bc 2 इंटू माइनस b इंटू c 3c प्लस 2ca 2 इंटू 3c इंटू a कितना हो जाएगा माइनस 2a, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव ही होगा 2 2 जा 4 ये हो गया ab और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 3 2 जा bc 6 3 2 3 जा 6 bc और यहाँ पर हो गया यहाँ पर भी माइनस होगा 3 जा 6 2 जा 12 ca। ऑल राइट चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर भी आप देख लो ए के प्लेस में माइनस ए, बी के प्लेस में यहां पर 6b और सी के प्लेस में माइनस 2c, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इट मींस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट मींस 6b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c के प्लेस में है माइनस 2c प्लस 2ab 2 इंटू माइनस ए इंटू बी दैट इज 6b प्लस 2bc 2 into 6b into minus 2c plus 2ca 2 into minus 2c into a that is minus a, तो ये हो गया a square 6 का square आपको पता है 36 b square 2 2 जा 4 c square और यहाँ पर हो जाएगा plus minus minus 6 2 जा 12 ab, यहाँ पर भी plus minus हो जाएगा minus और 6 2 जा 12 2 जा 24 bc
दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देते हैं, सो टू टू जा फोर हो जाएगा, फोर सी ए। ऑल राइट, आपको समझ में आ रहा होगा राइट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन सॉल्व करते हैं। देखिए इस पूरे एक्सरसाइज में एक ही आइडेंटिटी यूज होनी है, जो आइडेंटिटी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो क्या हम अब इसको डायरेक्टली कर सकते हैं या पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखिए, फिर आप मेरे से आंसर मिला सकते हैं, एंड दैट वुड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इट मीन्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू वन इंटू टू एक्स प्लस टू बी सी, टू इंटू टू एक्स इंटू बी सी क्या हो गया माइनस थ्री वाई प्लस टू सी ए, टू इंटू माइनस थ्री वाई इंटू ए दैट इज वन। तो हो गया वन प्लस टू टू ज़ा फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन वाई स्क्वायर, टू टू ज़ा फोर एक्स, ठीक है, टू टू ज़ा फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व एक्स वाई, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा नेगेटिव, और थ्री टू ज़ा सिक्स वाई राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पेन ड्राइव क्लासेस क्लास 8 डीएवी के लिए अवेलेबल है, साइंस मैथ्स सोशल साइंस और इंग्लिश के लिए, और वो भी बहुत ही एक मिनिमम चार्ज पे अवेलेबल है, और जिसमें कि आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे ए टू जेड पूरे सिलेबस का। उसके अलावा आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे और आपके टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, लाइव सेशन बाय दी एक्सपीरियंस फैकल्टी ऑफ प्राची फाउंडेशन। तो आप अपना पेन ड्राइव अवेल कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे कॉल करके। ओके चलिए चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। और यहाँ पर भी हम ए स्क्वायर इट मीन्स दैट इज टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इट मीन्स माइनस वन स्क्वायर प्लस टू ए बी इट मीन्स टू इंटू टू एक्स इंटू बी है माइनस फोर वाई प्लस टू सी ए टू बी सी, सो जगह टू इंटू बी, बी के प्लेस में माइनस फोर वाई इंटू सी माइनस वन प्लस टू सी ए टू इंटू माइनस वन इंटू टू एक्स। चलिए करते हैं टू टू जाइए हो गया फोर एक्स स्क्वायर, फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन वाई स्क्वायर प्लस वन, टू टू जा फोर, फोर सो फोर जा सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन एक्स वाई, और ये हो जाएगा दोनों नेगेटिव है तो आंसर जो होगा वो क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, फोर टू जा एट वाई, इसके अलावा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस टू टू जा फोर एक्स। ऑल राइट चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। ओके तो फिर से एक बार फॉर्मूला याद दिला दूं, मेरा काम है फॉर्मूला याद दिलाना आपको, और क्योंकि आप भूल जाते हैं, है ना। सो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, राइट। ईजी, अब तो याद हो गया होगा, अब भी याद नहीं हुआ तो फिर आपको और भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ए स्क्वायर इट मीन्स यहाँ पर ए के प्लेस में है सिक्स पी, और बी के प्लेस में है माइनस फाइव क्यू, और सी की वैल्यू है यहाँ पर सी के प्लेस में क्या आ रहा है माइनस फोर आर। चलिए पुट कर देते हैं, तो दिस विल बी सिक्स पी स्क्वायर फाइव क्यू स्क्वायर प्लस माइनस फोर आर स्क्वायर प्लस टू इंटू सिक्स पी इंटू माइनस फाइव क्यू प्लस टू बी सी, सो टू इंटू माइनस फाइव क्यू इंटू माइनस फोर आर प्लस टू सी ए, टू इंटू माइनस फोर आर इंटू सिक्स पी। तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स पी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव क्यू स्क्वायर प्लस सिक्सटीन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी और क्यू है तो सिक्स टू जा ट्वेल्व और ट्वेल्व फाइव जा हो जाएगा सिक्सटी, तो माइनस सिक्सटी पी क्यू, माइनस माइनस पॉजिटिव ही रहेगा, फाइव टू जा टेन फोर जा फोर्टी क्यू आर, और ये हो जाएगा नेगेटिव फोर टू जा एट, एट सिक्स जा फोर्टी आर पी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन हम सॉल्व करते हैं दैट इज। तो अब हम इसको डायरेक्टली लिखना चालू कर देते हैं क्योंकि अब हमको बहुत प्रैक्टिस हो गई है इसकी। तो ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस टू इंटू पी इंटू फाइव क्यू प्लस टू इंटू फाइव क्यू इंटू जेड प्लस टू इंटू जेड इंटू पी। तो चलिए डायरेक्टली लिख देते हैं, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव क्यू स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर, 5 2 10 पी क्यू, और ये हो गया 5 2 10 क्यू जेड प्लस 2 ZP, 2 ZP हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और सेम फॉर्मूला, ए की जगह पे 3x, बी के प्लेस में -4y एंड सी के प्लेस में -5। ए स्क्वायर 3x² प्लस बी स्क्वायर -4y² प्लस सी स्क्वायर -5² प्लस 2ab, 2 × 3x −4y प्लस 2bc, 2 × −4y c, दैट इज -5 प्लस 2ca, 2 × −5 × 3x। जल्दी जल्दी से लिख देते हैं, 9x² प्लस 16y² प्लस 25 −3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24xy, और ये हो गया प्लस 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40y, यस, एंड −5 × 2 = 10, 3 = 30x, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और बिल्कुल भी थकना नहीं है आपको, बिल्कुल भी थकना नहीं है। तो जाते जाते इस एक्सरसाइज के हम फिर से एक बार फॉर्मूले को रिपीट कर देते हैं, और अब आप इसको बिल्कुल अच्छे से, अब आपको याद हो गया होगा ये, राइट। और ए के प्लेस में कौन है -2x, बी के प्लेस में यहाँ पे 6y और सी के प्लेस में है 4। जल्दी जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं, -2x² प्लस 6y² प्लस 4² प्लस 2ab, मींस 2 × −2x × b की वैल्यू है यहाँ पे 6y प्लस 2bc, 2 × 6y × 4 प्लस 2ca, 2 × 4 × −2x। तो ये क्या हुआ, ये हो गया 4, ये हो गया 4, जस्ट अ मोमेंट, तो ये हो गया 4x² प्लस 36y² प्लस 16, 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24, −24xy, 6 × 2 = 12, 4 = 48, तो हो गया प्लस 48y, और ये प्लस माइनस माइनस, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 16x, राइट। तो आई होप सो ये वर्कशीट आपको समझ में आ गया होगा, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे, और आपको स्टेप बाय स्टेप, वर्कशीट बाय वर्कशीट, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो प्राची फाउंडेशन के पेन ड्राइव क्लासेस भी आप इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।